बेटा चलो आप लोगों को बेटा कुछ ज़रूरी सूचना है बता दूं। परसों एग्ज़ाम के लिए हालांकि सब ने जान ही लिया होगा बट फिर भी बड़ी दिक्कतें आ रही है। आप लोग मैसेज जब फ़ोन कर रहे हो सबसे बड़ी दिक्कत एडमिट कार्ड के चार पेज भी है, चारों निकालोगे तो क्या दिक्कत है, दो से काम चल सकता है लेकिन चार अगर है तो चारों ले के जाएं। दूसरी बड़ी दिक्कत जो है बेटा कोविड में अगर वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो उस वजह से आपको बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, तो घबराएंगे नहीं भाई मेरे। अगर वैक्सीन लग गई तब भी ठीक है, नहीं लगा है तब भी ठीक है, आपको एग्ज़ाम दिलाया जाएगा। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको जानना है, फटाफट मैं बोल देता हूँ। ये चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में जो चीज़ें आई है बेटा जस्ट देख लें आप। मान लो सपोज दैट ये एडमिट कार्ड किसी बच्चे का है तो इसमें कुछ बातें मैं आपको दिखाऊँ। ये बेटा ज़रा देखिए यहाँ पे एजिटी पहले जैसा है, कोई चेंज नहीं है। आपको जस्ट देखना है जैसे मान लो किसी बच्चे की एडमिट कार्ड है तो आपको बेटा यहाँ पे जो भी चीज़ें सबसे एक जो मेन है अंडरटेकिंग वाली बात देखो। ये जो अंडरटेकिंग वाली प्रोसेस है इससे आखिर क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं या समझ नहीं पा रहे तो आप सिंपल वे में समझें। ये जो चीज़ें हैं बेटा सेल्फ अंडरटेकिंग वाला फॉर्म जो भी है इसमें बेटा अगर आपको किसी ऐसी दिक्कत से आप गुजर रहे हैं या फिर किसी कोविड मरीज़ के संपर्क में आप आए हैं और आपके ऐसे लक्षण आ रहे हैं तब जाके टिक करें, नहीं तो इसको लीव कर दो, ब्लैंक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसके पीछे इतना ना परेशान हो आप। दूसरा आप फिर देखेंगे अगर किसी कन्फर्म केसेस के कांटेक्ट में आए हैं आप किसी मरीज़ के तब जाके आपको यहाँ पे कुछ बातों को फिर से नोटिफाई करना है, आगे टिक करना होगा, ध्यान देंगे। बाकी आप किस सिटी से होकर जा रहे हैं इसमें करें। बाकी यहाँ पे अगर सिम्टम है बेटा तो उसको भरें, इसके लिए परेशान ना हो आपको भैया हटा दिया जाएगा। हो सकता है आपको ऐसी दिक्कत हो तो अलग एग्ज़ाम सेंटर पे अलग रूम में बैठाया जाएगा, प्रॉपर वे में ध्यान देंगे। बाकी इसके लिए कोई परेशानी कुछ भी ऐसा आपको सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है कि कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाना, कुछ भी नहीं ले जाना, सिंपली जाएंगे विथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ ध्यान देंगे। आते हैं आगे तो कुछ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं बता दे रहा हूँ बेटा। जस्ट डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो आपको सिंपली वे में आपके जो फोटोज़ हैं जैसे कि पीछे आपने देखा था एक चीज़ ये था, ये देखें एक तो फोटोज़ आपके पासपोर्ट फ़ोटो लगना है बेटा यहाँ पे, एक ये पासपोर्ट साइज़ का फोटो यहाँ पे लगना है, कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब लगना है, कैंडिडेट का पेरेंट्स सिग्नेचर, कैंडिडेट खुद साइन करें इसको करना है आपको। दूसरा आपको जानते हैं कि बड़ा सा पोस्ट कार्ड जो है फोटो ये है 4x6 इंच का, इसको आपको ले जाना था, अच्छे से पेस्ट करेंगे, इस पर आपके साइन होंगे, इन्विजिनेटर का साइन होगा, ध्यान देंगे। दूसरा आपको जानते रहें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है, तो इसके लिए परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले मान लो यहाँ पे मैं सिंपली अगर बता देता हूँ बेटा तो आपका तो एडमिट कार्ड होना ही चाहिए, ये एडमिट कार्ड आपको ले जाएंगे पूरा प्रॉपर वे में। आईडी कार्ड, एक आईडी कार्ड बहुत ज़रूरी है बेटा, जो भी आपके आईडी कार्ड हो चाहे वोटर आईडी कार्ड हो चाहे आधार, ये ज़रूरी रहेगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है ये समरी फटाफट देख लेंगे आप, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और हाँ ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक ही ना ले जाएं, आपके पास अगर 2-3 है तो आप लेके जाएं, ध्यान देंगे। और ये बड़ा वाला जो फ़ोटो है 4x6 वाला ये फ़ोटो भी लेके जाना है आपका, ये जो आपने रखा है ये। बाकी जानते रहेंगे आपको बेटा अपना एक खुद मास्क लेके जाएंगे, मास्क एंड ग्लव्स, मास्क एंड ग्लव्स होना चाहिए, ध्यान देंगे ये चीज़ ध्यान देंगे। वहाँ पे हो सकता है आपको ढूंढना पड़े, कहीं जाना पड़े मेडिकल स्टोर, तो ये चीज़ आपकी खुद को होना चाहिए, उसमें रिस्क भाई मेरे ना लो, क्योंकि एंट्री अगर नहीं होगा तो आपका मूड झंड हो जाएगा, एकदम दिक्कत होगा, आधा आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, पेपर ख़राब करोगे, ये आपको लेके जाना है। बाकी आपको फिर से सैनिटाइज़र की बॉटल 50 ml की लेके जाना है, ये सैनिटाइज़र बॉटल 50 ml की छोटा सा आपको अपने पॉकेट में डाल के रखना है, ध्यान दें। ड्रिंकिंग बॉटल ले जाना है तो अगर पानी प्यास लगे तो छोटा सा बॉटल या जो भी जैसा आपको लगे एक बॉटल रखेंगे अपना, लेकिन उसका रैपर हटा देना, ये इसका रैपर रिमूव कर देना, रिमूव रैपर, जो भी रैपर वहाँ पे लगे होते हैं इस पर इसको हटा देना बेटा, ध्यान देना। तो इस तरह से आपको कुछ बेसिक चीज़ें हमने जो बताया है इसको बेटा आपको लेके जाना है, और सिंपली आपको लोअर एंड टी शर्ट पहन के जाना है, लोअर एंड टी शर्ट ये ड्रेस कोड है, और आपको स्लीपर पहनना है बेटा, कोई शूज वगैरह ना पहनना, या सिंपल सैंडल हो बिना हील वाली उसको पहन सकते हैं, तो ज़्यादा रिस्क न ले स्लीपर पहने। और ये खासकर गर्ल्स वगैरह का टॉप वगैरह पहनती, बहुत बड़े वाले बटन वगैरह वाली चीज़ें ना पहनेंगे आप, कोई अर्नामेंटल चीज़ें ना करके जाएंगे जिससे आपको वहाँ पे थोड़ी भी दिक्कत आए, तो ऐसी चीज़ों से बचे भैया, एक दिन की बात है। तो ये सब चीज़ें आपको सिंपलेस्ट वे में जाना है, समझे, एकदम सिंपल होके ऐसे नोट्स वगैरह कुछ ले जाए, चिट्ठी पुट्टी जो भी पढ़ने लायक वहाँ पढ़ लेंगे, नहीं तो कोई आपके साथ वाले उनको दे देंगे तो अच्छी बात है, तो आप पूरा ले जाएंगे। बाकी आपने जो एज इट इज अभी तक काम किए बेटा, कोई नया एक्सपेरिमेंट ना करना, आपको फिर बता दे रहे हैं आपके पास परसों एग्जाम है, कल तक का टाइम है मान लीजिए, तो जो भी चीज़ें आप पढ़ें कुछ भी नया न पढ़ना, आपको बार बार अगर चीज़ें रिवाइज करना है तो वही देख लेना जो भी है 24 आवर में जितना भी आप कर पाते हैं। सो
आपकी जो मेहनत है बेटा रंग लाएगी, आपने जो साल भर पढ़ा है, जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल से आपके मानचल बहुत अच्छा हासिल होने वाला है पेपर। एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस भैया बढ़ाओ। अगर आपको लगता है कि हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, एज इट इज़ जो भी हुआ अगर सबके लिए है, वो कोविड आया सबके लिए है, तो जितना भी आपने पढ़ा ये मानो कि आपने बहुत अच्छा किया है। पॉजिटिव थाट में रहो बेटा और होपली जितनी चीज़ें हैं आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होंगी। बस अपने मोरल को बढ़ाओ, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि भैया जाके हम करेंगे, देंगे, अपनी तरफ से जान लगा के देंगे, बाकी जो होगा ऊपर वाले खाद में छोड़ो भैया, जान है तो जहान है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छे जाओ, पेपर फोड़ फाड़ के आओ जो अक्सर बोलते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादा टुक्का ना मारना, जितना उतना करना। और हाँ, सेक्शन ए सेक्शन बी के चक्कर ना पड़ना, आपको जो मन करे जहाँ से करें स्टार्ट, जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ से करना भाई मेरे, लेकिन टाइम को मैनेज करना, पहले बायोलॉजी देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स, लास्ट में जैसे एज इट इज पहले करते रहो, टाइम देख देख करना, जिससे जो आता रहे ना उसको करके आना। और ये ना कहना कि सर टाइम होता तो हम चीर फाड़ देते, इसको भी कर लेते, तो जब टुक्का नहीं, अगर हाँ दो ऑप्शन में जरूर आपको कन्फ्यूजन लगे तो वहाँ पे आप रिस्क ले लें, चूँकि अगर चार क्वेश्चन है उसमें आपको लग रहा है दो दो ऑप्शन में ही कन्फ्यूजन है, तो चार में संभालो, अगर दो भी सही हुआ देन तब भी आप प्लस सिक्स में रहोगे, अगर कन्फर्म रहे तभी मार रहा, नहीं तो नहीं। ये आपके पास एक चीज़ हमने बता दी टुक्का वाला, बाकी जितना पढ़ाएं विश्वास करें, अगर बायो की बात करें तो 90 में 88-89 आना है, एक आध दो क्वेश्चन बस इधर से उधर होंगे, बाकी पक्का बता रहा हूँ आपको यही मिलने वाला, ध्यान दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, अच्छे से कर जाए।